नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी की कुछ बारीकियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें हम छोड़ देते हैं या उसको विशेष महत्व नहीं देते हैं, फिर भी वह बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी बातें इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे एक वाक्य आता है, काफ़ी प्रचलन में है, मिष्ठान भंडार। मिष्ठान भंडार रविवार को बंद रखा जाएगा। बंद रखा जाएगा। अब ये चीज़ लिखी गई, सामान्य बात है। अब किसी बच्चे ने आकर क्या किया, उस शब्द का थोड़ा सा चेंज कर दिया, बंद रखा जाएगा। अब ये र जो इधर आ गया, रविवार को मिष्ठान भंडार बंद रखा जाएगा। एक अक्षर वर्ण का इधर का उधर किया, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसी ही एक बात आती है, हम जब छोटे थे तब किसी के यहाँ पत्र आया, और पत्र आने के बाद वो महिला जो है घर की रोने लगी। पत्र में ये लिखा था, मामा जी आज मर गए हैं, हम रो लिए, तुम भी रो लेना। मामा जी आज मर गए हैं, हम रो लेने, तुम भी रो लेना। अब रोने लगी महिला, लेकिन जब किसी समझदार व्यक्ति ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसमें उसका अर्थ दूसरा था, मामा जी आज अजमेर गए हैं, हमने रुई ले ली, आप भी रुई ले लेना। तो कैसे किस शब्द का अर्थ का अनर्थ बन जाता है हिंदी में। उसी प्रकार एक शब्द आता है, कुंती। अब यहाँ पर ये अड़ जाए तो बन जाता है कुत्ती, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। वैसे ही अभिशार, आ गया अभिशार। इस अभिशार का अर्थ है प्रेमी का द्वारा प्रेमी से छिप करके मिलना, अभिशार। और इस अभिशार का अर्थ है आक्रमण करना। अब इधर की मात्रा इधर, इधर की मात्रा इधर आ जाए तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही कई शब्द हैं, कई वाक्य हैं जो कि हिंदी में प्रचलन है और उसका हमें विशेष ध्यान नहीं होता है। अब एक शब्द आता है, वाक्य है, बाऊजी उभा। अब इसको उल्टा पढ़े, बाऊजी उभा। लालू जी लूला। भाऊजी उबा, लालू जी लूला, लालू जी लूला। ऐसे ही तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते। यहाँ से पढ़ते हैं, तेजू के पापा के जूते। ऐसे ही राधा की बूनी में नींबू की धारा, राधा की बूनी में नींबू की धारा, राधा की बूनी में नींबू की धारा।
तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को पढ़ते हैं आनंद भी आता है। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं हम, चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चांदी के चमचे में चटनी चटाई, च की पुनरावृत्ति हो रही है वृत्तानुप्रास के रूप में। दादा दाऊ दयाल ने दादी को दही बड़े दिलाए, पहलवान प्रेम प्रकाश ने पीतल की पतीली को पत्थर पर पटक पटक के पराठा पकाया, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ऐसे कई चमत्कार पैदा करने वाले हिंदी की कुछ बारीकियाँ हैं। ऐसी कुछ और बारीकियाँ लेकर के मैं आऊँगा आपके अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल ध्येय विश्व को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।